नमस्कार दोस्तों, मैं जसविंदर सिंह आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नया सॉफ्टवेयर लेके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऑनलाइन स्टडी में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है classline.in। classline.in एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है स्टूडेंट और टीचर को ध्यान में रखते हुए। इसमें आप अपना इंस्टीट्यूट क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्कूल क्रिएट कर सकते हैं और कोई कॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप उसमें स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, टीचर्स ऐड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जहां तक कि आप कोई नोटिफिकेशन भी किसी को भेजना चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन भी आप वहां पे एज ए नोटिस बोर्ड भेज सकते हैं। एक तरह का आप ये सोच लीजिए कि ये एक तरह का वर्चुअल स्कूल कॉलेज है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमने एक डेमो यूज़र बनाया हुआ है, तो उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक एज ए वेबसाइट और एज एक मोबाइल ऐप में भी आपको मिलेगा। तो जैसे कि हम जहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, तो हमने इसको साइन कर दिया। तो साइन इन करने के बाद ये क्या करेगा कि आपको लेके जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर। तो साइन इन करने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर में जो है लॉगिन कर चुके हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो ऐप और वेबसाइट में सेम ही दिखेगा आपको। अगर आपने कोई वेबसाइट ली है, आपने कोई मोबाइल ऐप ली हुई है, तो उसमें क्या होगा, जहाँ पे आपको तीन जो है लाइंस दिखेंगी, जहाँ पे लिटिल फ्लावर्स लिखा हुआ है, जहाँ पे तीन लाइंस दिखेंगी। तीन लाइंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो मेन्यू है लेफ्ट साइड वाला, ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम करते हैं सेटअप, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल है, उसका सबसे पहले सेटअप होना जरूरी है। तो सबसे पहले करते हैं सेटअप पे, हमने सबसे पहले क्रिएट करना है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है, उसका नाम है ऑल। तो अगर आप कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ CSE कंप्यूटर साइंस। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा है तो उसके बाद हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट होने के बाद ये डिपार्टमेंट इस लिस्ट में आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपके पास कोई डिपार्टमेंट को किसी को एडिट करना है, जैसे इसका नाम मैंने ऑल रखा हुआ है, तो इसका डिपार्टमेंट का नेम है जो मैंने चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं एडिट उसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद हमें क्या आता है, सेटिंग जो स्टेप है, तो हमें फिर से सेटअप करना। सेटअप पे क्लिक करने के बाद क्लासेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो क्लास है, हम इसको क्लास को ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम डालेंगे। तो जैसे आपके पास कोई फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी क्लासेस है, जो भी क्लासेस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन क्लासेस का नाम यहाँ पे आप वन बाय वन करके ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि दो क्लासेस ऐड की हुई हैं, LKG और UKG। हम इसको एक प्ले वे स्कूल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो सेटअप कर रहे हैं, तो हम इसमें जो प्ले वे स्कूल्स की जो क्लासेस होती हैं उनको ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, LKG और UKG को ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसमें यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू सब्जेक्ट। करने के बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे करेंगे अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास दो देखें सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने दो सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश ऐड किए हुए हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं कोई और, जैसे हम बोलते हैं पंजाबी ऐड करते हैं, पंजाबी सब्जेक्ट ऐड किया, ठीक है। किस के लिए हमने ऐड किया उसको बोल देंगे, उस क्लास के लिए ऐड किया, जैसे मैंने LKG के लिए, UKG के लिए ऐड किया, तो उसको ऐड कर क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, ये सब जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस लिस्ट में जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ऐसे ही आप अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट सब्जेक्ट जो है, डिफरेंट सब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सेटअप पे आना होगा। सेटअप पे आने के बाद हमारे पास आएगा जो हमारा जो मेन पार्ट है, क्या है कि हमें स्टूडेंट की जो एंट्री है वो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आएगा
करने का, जो स्टूडेंट है उसका मोबाइल नंबर ऐड करने का, उसका पेरेंट्स जो पेरेंट्स है उनका मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे किसी एक का मोबाइल नंबर जहाँ पे ऐड कर देंगे। ध्यान रखना कि जहाँ पे जो मोबाइल नंबर ऐड होगा वही वो जो स्टूडेंट है उसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो जैसे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद नेम डालेंगे, उसकी क्लास डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेंगे, तो उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट को एक मैसेज आएगा जहाँ पे उसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को डालने के बाद जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं इसको बैक पे क्लिक करते हैं। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्लास वाइज। तो उसके बाद हमारे पास है टीचर, तो अभी एक स्कूल में एक से ज्यादा टीचर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे टीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही सेम है जैसे स्कूल को ऐड किया था, जहाँ पे टीचर्स को ऐड करना है टीचर्स मोबाइल नंबर डालना है, टीचर को आपने ऐड करना है उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसका नेम डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसके बाद आप उसके ईमेल आईडी डालना है तो डाल सकते हैं, डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक जो SMS है उसको यूजर नेम पासवर्ड का वो उस मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, उसको ऐड डालने के बाद वो लॉगिन कर सकता है। उसके पास आता है सेटअप सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑफिस वर्क में आप प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऐड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की इमेजेस लगा सकते हैं जो होम पेज पे आएंगी, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है मैसेज आप किसी को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे जो है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास जो मेन सेक्शन है वो है असाइनमेंट। तो आपने सारा एक इंस्टीट्यूट जो है वो तैयार कर लिया, उसके बाद जो मेन काम है वो है आपका असाइनमेंट कम्युनिकेशन, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मानो हमने कोई असाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो यहाँ करेंगे इसको क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नेम डालेंगे किस क्लास के लिए क्रिएट करना है, किस सब्जेक्ट के लिए क्रिएट करना है। अगर आप सभी सब्जेक्ट के लिए एक असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे ऐसा करना, जहाँ पे आपने सब्जेक्ट ऐड किया तो वहाँ पे कॉमन नाम का सब्जेक्ट ऐड कर देना, तो वहाँ पे यहाँ पे आप उसको कॉमन को सिलेक्ट करोगे तो सभी को वो कॉमन जो सब्जेक्ट है वो दिखेगा। तो सब्जेक्ट का नाम आएगा जहाँ पे आप कोई इमेज PDF वीडियो जहाँ से आप उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक वीडियो ये इमेज सेलेक्ट की। तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने असाइनमेंट डाल दिया टेस्ट असाइनमेंट जहाँ पे मार्क डाल दीजिए, अगर नहीं डालना तो कोई बात नहीं वो भी चलेगा। उसके बाद क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के बाद मेरे पास क्या होगा जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे मेरे पास दिख जाएगा। तो ये असाइनमेंट मेरे पास आज का क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू पे क्लिक करूँगा। तो व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जाओ जो आपने असाइनमेंट डाला वो मुझे जहाँ पे दिख जाएगा। दिखने के बाद मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा डिस्कशन बॉक्स, आप इस असाइनमेंट के ऊपर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप डिस्कशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय, तो हाय मेरे पास यहाँ पे चला गया। तो उसके बाद अगर आपने कोई सपोर्टिंग मटेरियल जैसे आपने कोई वीडियो का लिंक देना है तो वो यहाँ पे आप दे के सेव कर सकते हो। अगर हमने कोई अटैचमेंट अपलोड करनी है जैसे कोई ग्राफ अपलोड करने हैं या समथिंग लाइक कुछ और सपोर्टिंग मटेरियल को PDF अपलोड करना है तो यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट इसको देखेगा उसके बाद यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि हम स्टूडेंट साइड पे जाके देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या दिख रहा है। हम जहाँ से लॉग करते हैं, हम स्टूडेंट साइड पे हमने ऐड किया था 76 पे नाम से, इसका पासवर्ड मेरे पास आ चुका है। तो हम इसको यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डाल इसको मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास होम स्क्रीन पे पहुंच गया है। तो सेम जी ऐप में भी सेम ही काम करता है, तो आप वहाँ पे ऐप में भी ऐसे ही इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे मेरे पास ये मेन्यू की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जहाँ पे मेरे पास आ गया असाइनमेंट और नोटिस बोर्ड। तो मैं असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, जो वहाँ से मैंने असाइनमेंट डाली हुई है LKG क्लास के लिए, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे व्यू असाइनमेंट
क्लिक करता हूँ, व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास वो असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी।